नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने मंगलवार को जन सुनवाई की। जनता से रूबरू हुए 46 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान 46 लोगों की समस्याओं को सुना और उनका तुरंत निराकरण किया। कलेक्टर के समक्ष रिटायर्ड कॉलोनी भगाना निवासी रेखाबाई ने विधवा पेंशन स्वीकृत कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत पेंशन स्वीकृत कर उन्हें 600 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करने के आदेश दिए। इसी तरह ग्राम दूलाखेड़ा के गोपाल कृष्ण ने कपिल धारा में कूप निर्माण की राशि नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने जनपद सीओ को निर्देश दिए। मनासा के विनोद ने अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधी आवेदन दिया, जिस पर मनासा के एसडीएम को तुरंत निर्देशित किया गया कि वे इनकी समस्याओं का निराकरण करें। लक्ष्मीबाई श्यामलाल ने मकान नहीं तुड़वाने, धामनिया की ललिताबाई ने मध्यान्ह भोजन बनवाने और एक स्कूल धामनिया में कार्य सौंपने संबंधी आवेदन कलेक्टर को दिए, जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में भगवानपुरा की जया बैरागी, नीमच के हमीद हुसैन, खजूरिया के शंभूलाल गुजर, केलूखेड़ा के कैलाश चंद, जावर के दिनेश चंद, ग्वालटोली की रेखाबाई, चैनपुरा के गट्टू सिंह, सावन की बूलीबाई, दारू के दिलीप सिंह, डूरंगपुर के तुलसीराम, उपरेड़ा के नंदकिशोर, सरवानिया की गीताबाई और नीमच के मूलचंद मार्ग निवासी लीलाबाई ने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए।